जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए, तो ये तो था वारा राशियों का राशिफल। अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हस्तरेखा के बारे में। हमारी और आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं जिनसे संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपके हाथ में वह विशेष रेखा है, वह विशेष योग है जिससे आप प्रॉपर्टी से संबंधित, संपत्ति से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के समय में, इन दिनों में, प्रॉपर्टी में निवेश करके हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, क्योंकि ये धन लाभ का, धन को और बढ़ाने का बहुत अच्छा, बहुत सरल और बहुत मजबूत, बहुत सशक्त माध्यम माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों को लाभ तो मिल जाता है और कुछ लोग धन निवेश करके प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा नुकसान भी उठा बैठते हैं। ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी हथेली को देख करके आप जान सकते हैं कि आपको संपत्ति में निवेश करने से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा मिलेगा या आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट डूबने जा रहा है। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जिनकी हथेली में एक से अधिक भाग्य रेखा हो और जीवन रेखा गोल हो तो व्यक्ति को स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहिए। इस क्षेत्र में किया गया निवेश इन्हें खूब लाभ देता है, अपार धन की प्राप्ति इनको ऐसा निवेश कराता है। जिन व्यक्ति की उंगलियां लंबी होती हैं, हृदय व मस्तिष्क रेखा एक मिली हुई हो, जीवन रेखा गोल हो और भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक गई हो तो संपत्ति में सोच समझ करके ही निवेश करना चाहिए। जमीन के कागजात और जमीन की जांच पड़ताल करके ही, अच्छे तरीके से आप जांच परख करके ही उस प्रॉपर्टी को खरीदें या उसमें आप निवेश करें। अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा गोल है और हृदय एवं मस्तिष्क रेखा एक है, एक साथ मिली हुई है, इसके साथ हृदय रेखा पर कोई दूसरी रेखा उसको काट रही है, उस पर आ रही है, तो इसे संपत्ति में निवेश के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप, आपके हाथ में ऐसा लक्षण है तो निश्चित ही आप निवेश करके उससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हथेली में अगर गुरु, मंगल, शनि और बुध पर्वत उभरे हुए हैं तो स्थायी संपत्ति में निवेश आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे ही आपको उसकी, अपनी संपत्ति की उचित कीमत मिलने लगे, आपके पैसे आपको बढ़ करके मिलने लगे, तो आपको बेचने में भी देर नहीं करनी चाहिए। अन्यथा लंबे समय के बाद, एक बड़ा गैप आने के बाद, आपको वही संपत्ति नुकसान भी दे सकती है। तो आपको जब उसका एक अच्छा मुनाफा मिलने लगे, आप बेच दीजिए, उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप लगातार अपने पैसे को वृद्धि कर सकते हैं और अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं कि संपत्ति कमाने का, संपत्ति से पैसे कमाने का योग आपके हाथ में बनता है या नहीं बनता है। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से समझना है, लेकिन अगर हाथों की लकीरों को देखें तो किस तरीके से, क्योंकि अनजान व्यक्ति को तो पता नहीं होता है कि जो रेखाएं किस तरीके से देखी जाती है, तो इसके लिए कोई उपाय हो? देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि भाग्य रेखा कौन सी है। भाग्य रेखा ये जो उभरी सी आती है नीचे से, ये भाग्य रेखा होती है, और इसके साथ इधर से जो आ रही है ये हृदय रेखा होती है। तो ये बहुत आम सा लक्षण है जो अमूमन हर व्यक्ति जानता है कि कौन सी भाग्य रेखा है, कौन सी हृदय रेखा है। बस इतना सा अगर आप जान लें तो बहुत अच्छा संयोग होता है। और जिन उंगलियों में आप रत्न धारण करते हैं उस उंगली से संबंधित ये जो उभार होता है इसे पर्वत कहते हैं।
तो ये जो है ये क्योंकि हम पुखराज इसमें पहनते हैं तो ये गुरु का पर्वत हुआ क्योंकि आप गुरु का रत्न धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इसमें जो है गोमेद पहनते हैं या दूसरे और रत्न धारण करते हैं तो आप उस इस उभार को समझ सकते हैं। आप इसमें माणिक इत्यादि पहनते हैं तो इसको आप सूर्य पर्वत समझ सकते हैं। ये जो बीच की उंगली का पर्वत होता है ये शनि का पर्वत कहा जाता है और आखिरी उंगली जो होती है जो छोटी उंगली होती है इसमें जो उभार होता है इसे बुध का पर्वत कहते हैं और ये जो अंगूठे के साथ उभार होता है इसे शुक्र का स्थान समझना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।